हर कोई यही कह रहा है कि जी पाकिस्तान इंडिया से हार जाएगा। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान हार जाए। अब स्पिन अटैक हमारे पास है नहीं और इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हम क्या कैसे पकड़ पाएंगे उनको? स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, हम कैसे पकड़ पाएंगे कि उनको रन्स ना दें, उनको मतलब उनको मतलब खुली क्रिकेट ना खेलने दें, ठीक है? वो कैसे हो पाएगा? एक ये हमारा स्पिन का वीक एरिया अगेंस्ट इंडिया बैटिंग लाइनअप, ठीक है, और हारिस रऊफ ने बुरी बुरी बॉलिंग की, नसीम शाह भी मुकम्मल मुझे फिट नजर नहीं आते, तो सबको पता है, रोहित शर्मा को पता है कि किस तरह टैकल करना है, तो विराट कोहली को भी पता है शाहीन कैसी बॉलिंग करेगा, या हमारे जो अगर कोई भी स्पिनर गेंद करता है या फास्ट बॉलर गेंद करता है तो उनकी वर्किंग बड़ी जबरदस्त होती है। तो हमारे हमारी बॉलिंग बॉलिंग को बड़े तरीके से इनके अगेंस्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो एक प्लानिंग के साथ इंडिया के खिलाफ चलना पड़ेगा कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो उनको कितने रन पे रोकना है, उनके खिलाफ ऐसे नहीं कि आए बस जोर मारा विकेट लेने की कोशिश की, नहीं, उनके पास बैटिंग लाना बहुत बड़ी है, तो बड़ा तरीके से चलना पड़ेगा। अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं अगेंस्ट इंडिया की बॉलिंग, हमारे पास तो सिर्फ रिजवान है और बाबर आजम है, इसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऐसा प्लेयर जो है वो इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है या इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है, स्पिन देखे बॉलिंग, जावेद जडेजा उनके पास, अक्षर पटेल उनके पास, कुलदीप यादव, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करते, तो स्पिन अटैक पूरा उनके पास, फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ पूरी उनके पास, तो हमारे पास सिर्फ दो ऐसे प्लेयर हैं बाबर आजम और रिजवान की सूरत में, ये दोनों ओपनर आते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी एक सर्किल में आउट हो गया तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर दोनों आउट हो गए तो फिर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम कैसे इस मैच को जीतेंगे? अगर बैटिंग करते हैं तो रन्स कैसे करेंगे, अगर चेज करेंगे तो रन्स कैसे चेज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब मौका बिल्कुल नहीं है, मतलब ये मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, सुपर एट में जा ही नहीं सकेंगे। अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं, हम कैसे, मुझे तो समझ नहीं, हम कैसे जडेजा के खिलाफ रन करेंगे, हम कैसे कुलदीप यादव अगर खेलता है या अक्षर पटेल खेलता है या बुमराह जब बॉलिंग करने आएगा, बुमराह वगैरह उस टाइम बॉलिंग करने आते शुरू में तो करते हैं लेकिन बाद में उस टाइम करने आते जब आपके हिटर आते हैं, लाइक आजम आता है, इफ्तिखार आता है, या शादाब छक्के मारने की कोशिश करता है, तो वो जिस टाइम आता है तो उस टाइम वो कैसे आप लोगों को मारने देगा, वो तो इतनी आसानी से नहीं मारने देगा। पता नहीं अब किस तरीके से हम मैच खेलेंगे ना, वो आपको जो है वो नहीं वो जीतने देंगे। पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान एक ऐसा मैच है खेला जाएगा कि जो हमेशा से जो है वो किसी भी आईसीसी के मुकाबले में एक बड़ी अहमियत का हामिल मैच होता है। पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन अब तक बन नहीं सका है, पाकिस्तान की टीम से इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान की टीम दो या दो से ज्यादा धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, और जो पाकिस्तान से बड़ा क्लियर लाउड एंड क्रिस्टल मैसेज गया है पाकिस्तान टीम को कि ये मैच लड़ो या मरो, डू और डाई का मैच है, समझ के खेलो। ऐसा कुछ है ही नहीं आपके पास करने को, आप सिर्फ तमन्नाओं पे, आशाओं पे और दुआओं पे चल रहे हैं। आप लोग बात ये कि इंडिया अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलेगा, मसला ये इंडिया आपका बचाएगा तो पाकिस्तान बचाएगा, नहीं, इंडिया यार इनके स्टेक्स है नहीं है क्रिकेट के, टीम लड़ती भी नजर आए जो लड़ाई थी वो भी नहीं लड़ाई अब, तो मैं ये कह रहा हूँ इनसे जो अपोजिशन लड़ेगी ना उसको डर अपनी इज्जत का इनका नहीं है, तो किसी से भी आ रहे हैं वो अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट सेट कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान ने प्रूव किया। अबे जितना वो भागे है ना कल इब्राहिम और वो गुरबाज भाग के दिखाए मेरे शबेराती और मेरे घंटे के की है ताकत इनके अंदर। अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान, क्योंकि अब तो हम इंशाल्लाह माशाल्लाह पे चल रहे हैं, हम यहाँ के बैठ के कहते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह, टीम हमें मैसेज दे रही है इंदलिल्ला का, इंडिया बुरा खेलेगा तो पाकिस्तान जीतेगा, ये खुद से नहीं, ये है गेम बस। आपने जो क्रिकेट खेली है वो विराट कोहली नहीं खेल रहा, आपका बीपी लो हो जाएगा उसको खेलते देख के, आप तो कनाडा से भी लगते हुए लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल सही, जैसे आयरलैंड में आया, क्योंकि मैं ख्वाब नहीं देखता अली, ये प्रैक्टिकल देखता हूं मैं, प्रैक्टिकली आप प्रूवन है, पता चल रहा है कि आप दुनिया की सबसे आसान स्ट्रेंथ है, आपको जो चाहता है घेर के मार देता है। एक दफा फिर जो है वो इंडिया पानी खोल देगा, इंडिया पाकिस्तान के खेलने का फैसला कर लेगा, कश्मीर का मसले के लिए कमेटी बैठ जाएगी, कल अगर इंडिया जीती है कल हम फिर सब ये बातें कर रहे होंगे, इंडिया से कल आपके मामला अगर जीत के हो भी जाते हैं तो आपकी क्रिकेट रिवाइव होगी, इंडिया की नहीं होगी भाई। इंडिया पाकिस्तान की टीमों को क्या फर्क है दोनों टीमों में, इंडियन टीम एक सेटल टीम लग रही है, फॉर्म में है, वर्ल्ड कप का स्टार्ट अच्छा मिला, मोमेंटम उनके पास है, पाकिस्तान टीम आपको पता है स्टार्ट अच्छा नहीं है, पहला मैच हारे हुए हैं, यूएसए से हारे हुए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा नीचे गया हुआ, और पाकिस्तान टीम इस वक्त मेरे ख्याल से इससे बुरा नहीं हो सकता पाकिस्तान टीम के साथ, बाबर और रिजवान के अलावा कोई बैट्समैन ऐसे लग नहीं रहे कॉन्फिडेंस जिनमें हो और जो नजर आ रहा हो कि कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो उनको फेंटा दे सकते हैं। इंडिया के पास आपको पता है कि ये सारी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी है, बैटर जो है फॉर्म में भी है,
बॉलिंग आप देख लें, फास्ट बॉलिंग उनके पास कंप्लीट है, पिच के मुताबिक जैसी कंडीशन है, एक ऑलराउंडर भी है हार्दिक पांड्या, ये तो फास्ट बॉलिंग होगी। स्पिनर्स में आप देखें, क्योंकि कुलदीप हमेशा पाकिस्तान को ट्रबल में रखता है, मुश्किल होती है, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप सोचती भी ज्यादा कि कुलदीप को कैसे खेलना है, यानी इसी में वो आउट भी हो जाते हैं। उसके बाद आप विराट कोहली को देख रहे हैं कि, और मेलबर्न वाली इनिंग्स कोई भूल नहीं सकता जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला, मैच कहां से पाकिस्तान के निकाल के ले गए, जो 99% पाकिस्तान जीता हुआ था। तो एक प्रेशर है पाकिस्तान टीम पे विराट कोहली का, उसकी बैटिंग का, जैसे मैच फिनिश करके जाता है। मेरे ख्याल से इंडियन टीम को एज है, फैंस उनके बहुत ज्यादा आए होंगे, हमेशा कहीं पे भी मैच हो इंडिया के बड़े फैंस होते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं। हमारे थोड़े से फैंस नाराज हुए होंगे, अफसोस कर रहे होंगे कि हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं है। भयानक खबर आ रही है मेरे पास अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, अब तो बाहर हो जाएंगे, ऐसा ना हो वर्ल्ड कप के दोनों फाइनलिस्ट डिफेंडिंग चैंपियन और फाइनलिस्ट पाकिस्तान, ऐसा ना हो वर्ल्ड कप के 6 दिन के अंदर दोनों टीमें बाहर हो जाए, लानते वर्सेस बरस जाए पाकिस्तान के खिलाफ। विराट कोहली अगर मुझे याद आता है, मेमोराइज, मैं अपनी मेमोरी को बोलते बोलते रिकॉल कर रहा हूँ, तो मुझे अगर याद आता है एक ही मैच है जिसमें विराट फेल हुआ है, पता कौन सा? अहमदाबाद वाला। फेल क्या हुआ, उसमें भी 20-25 रन किए हैं, आउट होके चला गया है, लेकिन उस मैच को तो कोई भी जिता देता अंडर 200 का टारगेट था। अच्छा, उसके अलावा हर जगह कोहली है, तो क्या एक बार फिर कोहली वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है, क्या इस बार और लोग भी आएंगे मार्केट में? विकेट खोने के खौफ से कुछ नहीं होता, मैच हारी जाती है टीमें। बल्ले पे अमेरिका के बॉलर्स नहीं चढ़ रहे तो दूसरे क्या चढ़ेंगे? किसका पलड़ा भारी रहेगा, इंडिया का या पाकिस्तान का, ये मैच किसका है? इंडिया का जाहिर है, विराट कोहली है, और चाहिए क्या? हमारे तो बाबर आजम वैसी छोटी जिम्बाब्वे वाली टीम्स पे छक्के मार के अपने आप को पता नहीं घोट समझता है। मैच तो विराट कोहली का, यूएसए से हार गए तो इंडिया से तो ऑब्वियसली हारेंगे, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वर्ल्ड कप से बाहर है, संडे को खत्म है, वर्ल्ड कप कोई सीन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद। इंडिया ने नहीं छोड़ना पाकिस्तान को, उन्होंने बिल्कुल खत्म करके भेजना है। और हम हमेशा कहते हैं कि किसी और से जीतो ना जीतो, इंडिया से जीतना चाहिए। नहीं जीतेंगे, सिर्फ इंडिया से भी जीत जाए ना तो हम मानेंगे वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन इंडिया से भी नहीं जीत।